की छात्रा को बंधक बनाकर किया रेप। बरेली के पिथनी चैनपुर के चंदपुर गांव की रहने वाली कक्षा 6 की छात्रा एसएसपी ऑफिस में शिकायत लेकर पहुंची। छात्रा का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले अरमान नाम के युवक ने उसको स्कूल जाते वक्त पकड़ लिया और उसके साथ रेप किया। इतना ही नहीं, विरोध करने पर उसे नल से बांध कर पीटा और फिर ब्लेड से उसके दोनों हाथ काट दिए। वहीं इस मामले में महिला थाने में आरोपी लड़की और उसके माँ बाप के खिलाफ रेप और मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया है, इसलिए इस मामले में पॉस्को एक्ट भी लगाया गया है। इस मामले में सीओ नीति द्विवेदी का कहना है कि 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। क्या हुआ आपके साथ? हम स्कूल जा रहे थे तो मैं खेल का लड़का था तो हमसे घर में खींच के ले गया हमें, तो हमें नल से बांध के मारा। हमारे साथ बेइज्जती की, हमारे ये हाथ काट दिए। तो हमने कहा हमारे साथ ये बेइज्जती ना करो, तो हमारे साथ बड़ा बेइज्जती करी। 2 बार ये बेइज्जती हो गई, 1 बार घर में ले जाके बंद करके बहुत ही मारा सीने पे बैठ कर। आपके नल से बांध के ये हमारे हाथ काटे थे। किसने काटे? अरमान ने और मैकेल ने और गुड्डी जी 3 थे। कहाँ रहते हो आप? चंदपुर रहते हैं। अब वो भी हमारा मतलब आपका भितरी चंदपुर भितरी लगता है। स्कूल जाते पढ़ने आप? हाँ, स्कूल जाते। कौन सी क्लास में? 6 क्लास में जाते हैं। तो उसके लौंडे ने कहा तुझे जान से मार दूंगा, तुझे जो कर मिले वो कर लेना तू।